तो यहाँ पर ना अभी हम उसी ट्रक का पीछा कर रहे हैं। हमें GTA 5 में हमें उस ट्रक का पीछा करके पता करना है कि वो कहाँ पर रुकता है और वो कौन सी इंडस्ट्री में काम करता है। तो बस वही आज हमारे सामने ऐसे बहुत ट्रक गुजर रहे हैं। हमें इस ट्रक के फंक्शन सारे चेक करने हैं और हमें इस मिशन को किसी भी सूरत में कामयाब करना है। ये तो ऐसे घूमता रहेगा, ये हम बेकार में इसका पीछा नहीं, ये करेंगे। घूम नहीं रहा, ये भाई जान, ये रोड पर जा रहा है। अभी से शहर तो पहुंचने दो, शहर में पहुंचने के बाद भी अगर ये घूमता है तो फिर हम देख लेंगे, लेकिन अभी हमें इसका पीछा करना है और यही हमारा मिशन है। तो फायदा क्या है इसका पीछे, जहाँ भी ये जाए हमें हमें देखना है कि वे कौन सी गाड़ियों वाली फैक्ट्री है, वहां पर गाड़ियां भी तो होंगी। कैसे तो नहीं होता। ऐसे ही होता है, और जो भी शोरूम वगैरह होगा उस पर हम जाएंगे और हम पता लगाएंगे। नहीं आता तो यहाँ पर हम यहाँ पर हमारा वो जो गाड़ी है वो काफी आगे निकल चुकी है। तो ये देखें, ये बहुत प्यारी चीज़ है। तो तीन अंदर बैठे हैं, दो बाहर बैठे हैं, अच्छे हैं। एक और जो है वो यहाँ पर हमारा बेकार में ही घूमता रहेगा। चले कोई बात नहीं, वो जा रहा है नाराज होकर वैसे भी। अच्छा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रैफिक जैम लगा है, तो हम चलते हैं साथ में। बाय बाय बेटा। तो अभी हमारे पास जो है ना 6-7 लोग हैं और काफ़ी बढ़िया गाड़ी है ये, और ये थोड़ा भौकाल टाइप लगता है ऐसे जब हम जा रहे हों इस गाड़ी में। तो 5 बंदे इस वक्त हमारी गाड़ी पर हैं, लेकिन अगर हम ये वाली गाड़ी ले लें तो हमारे साथ 7 बंदे भी बैठ सकते हैं, तो हम ये वाली ले लेते हैं। वो भी पीछे से आ गया, मिल हाँ, गए। तो बस यही तो मज़ा है। और ये देखिए, अभी जो गाड़ी जो है ना उनकी बहुत बढ़िया है, तो ये देखो अभी 7 बंदे, ये देखो अब बताओ। हेलमेट पहन के बहुत बकवास है। नहीं, हेलमेट पहन कर सही लगता है, क्योंकि ये थोड़ा अलग फील देता है ना। ये देखो, मतलब थोड़ा जो है खुफिया वाली फीलिंग आती है ना, और इस गाड़ी की स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। मैंने समझा दीवार है। और मैंने समझा कि कोई दूसरा रोड है। आज की जो वीडियो है